नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू लाइफ क्लासेस में। मेरा नाम है अमित कुमार पांडे। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में, जानेंगे कि क्या आखिर वो कारण थे कि इतनी मतलब वर्षों से शासन कर रही मुगल साम्राज्य को आखिर क्या कारण थे कि इसका पतन हो गया, और क्या इसके परिणाम हुए। ठीक है, इसके परिणाम तो शायद सभी लोगों को पता है कि इसके परिणाम ये हुए कि भारत में एक केंद्रीय सत्ता रहने गई, और इसीलिए अंग्रेज़ों ने भारत पर पूरी तरह से सत्ता अपनी हथिया ली। ठीक है, भारत पर राजनैतिक रूप से भी और पूरी तरह से सैनिक रूप से भी, ठीक है, सत्ता काबिज हो गई अंग्रेज़ों की। ठीक है, और एक कह सकते हैं कि जब मुग़ल नहीं रह गए और तो इसी तरह से अंग्रेज जो हैं दिल्ली पर भी अपना शासन कर लिए। ठीक है, बहादुर 1857 के बाद एक तरह से, जब बहादुर शाह आलम को, बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। चलिए, वो तो बात की बात है, परिणाम तो बात की बात है, आखिर क्या कारण थे मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली कारण तो ये था और कि औरंगजेब की जो नीतियाँ थी, औरंगजेब जो था कट्टर मुसलमान था। ठीक है, कट्टर मुसलमान, यह हिंदुओं को तनिक भी बर्दाश्त नहीं करता था, तो हिंदू जो थे बहुत ही रूठ गए थे इससे। ठीक है, सबसे अच्छा अगर कोई शासक था मुग़ल काल में तो एक तरह से माना जाता है, इतिहासकार भी मानते हैं, महान शासक अकबर को मानते हैं। ठीक है, जिसने जजिया कर भी ख़त्म किया, हिंदू मुसलमान को एक करके वो रखना चाहता था, इसलिए अधिक वर्षों तक उसने शासन भी किया। ठीक है, लेकिन औरंगजेब की नीतियाँ इसके विपरीत थी। ठीक है, इसने तो जजिया कर फिर से लागू कर दिया। ठीक है, औरंगजेब के दूसरा जो है, औरंगजेब के निःशक्त उत्तराधिकारी, औरंगजेब ने भी लगभग 48 से 49 साल तक शासन किया, दबा कर ही शासन किया लोगों की भावनाओं को। ठीक है, मराठों ने तो बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी इसके जो इसने शासन किया कम से कम 48-49 साल तक, 1707 में जब इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उसके बाद इसके उत्तराधिकारी जितने भी हुए वो इतने कुशल नहीं रह गए कि मुग़ल साम्राज्य को विस्तार तो छोड़ो, ठीक है, जितनी उसकी विस्तार है पहले से उसको भी बना के रख पाएँ, इतनी भी इनकी सामर्थ्य नहीं थी। छोटे छोटे राज्यों में बढ़ता चला गया। ठीक है, लोग जो छोटे छोटे राज्य थे, जो सूबेदार थे, वो सब अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करने लगे। ठीक है, तो बड़ी बहुत ही विकट समस्या हो गई। ठीक है, तो उत्तराधिकारी इतने सक्षम नहीं थे कि मुग़ल साम्राज्य की जो सत्ता है उसको कायम रह सके। ठीक है, अगला जो था कि दरबार में गुटबंदी होने लगी, दरबार में जो लोग रहते थे वो आपस में ही गुटबंदी करने लगे, सत्ता को हथियाने की होड़ मच चुकी थी एक तरह से। ठीक है, मराठों का उत्थान हो चुका था, औरंगजेब के टाइम में ही मराठों का उत्थान हो चुका था, औरंगजेब जो था मराठों से ही जिंदगी भर वो परेशान रहा। ठीक है, हमेशा लड़ता रहता था लेकिन कभी भी हरा नहीं पाया। ठीक है, चाहे शिवाजी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, हमेशा लड़ता ही रहता था। ठीक है, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, नादिर शाह ने बहुत ही बड़ा आक्रमण किया था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा दिल्ली का जो वह सिंहासन था उसको भी उसने ले गया ईरान। ठीक है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद किया कीजिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये सब जो आक्रमण हुए इसने मुग़ल साम्राज्य की नींव को हिला करके रख दिया। ठीक है, हार हुई मुग़ल साम्राज्य की, मतलब मुग़ल जो सेना थी उसकी हार हुई, नादिर शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दाली ने जो आक्रमण किया, तो मुग़ल साम्राज्य की, मुग़ल सेना की हार हुई। इससे क्या हुआ, उनकी बहुत बड़ी एक तरह से हार थी। ठीक है, नैतिक रूप से भी, तो इस तरह से इनका जो पतन का कार्य शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, यूरोप वासियों का आगमन हो चुका था। ठीक है, यूरोप वासियों का आगमन तो अकबर के टाइम पर ही हो चुका था। ठीक है, पुर्तगाली जा चुके थे, पुर्तगीज, उसके बाद आपका जहांगीर के टाइम में आपका, उसके बाद डच आए, उसके बाद आपका ब्रिटिश आ गए, डेन आ गए, फ्रांसीसी आ गए, स्वीडिश भी आ गए। ठीक है, तो ये सब आने लगे, तो एक तरह से मुग़ल साम्राज्य का पतन तब भी चालू हो गया। यूरोपवासी जब आ गए तो वो सब अपने में युद्ध लड़ते थे वहाँ से आ करके, और भारत में युद्ध करते थे अपने में, कोई बोलता था तो उनसे भी युद्ध करते थे। ठीक है, एक तरह से गुंडागर्दी थी। ठीक है, और कोई उनको बोलता भी नहीं था, और बोलो तो उनसे भी युद्ध लड़ जाते थे। ठीक है,
एक तरह से गुंडागर्दी थी, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे कि विशाल साम्राज्य के लिए स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव, स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव। इस पर तो हमने बात कर लिया कि केंद्रीय सत्ता अब नहीं रह गई थी, गुटबंदी हो गई थी और छोटे छोटे पार्ट में अब जो है स्वतंत्र रूप से राजा राज करने लगे थे, ठीक है। जो सूबेदार जो जमींदारी देने लगे थे कि वहाँ का सूबेदार होगा, वो सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे कि अब हम मुगल काल के अधीन नहीं हैं, हम एक स्वतंत्र राजा हैं, ठीक है, ऐसा लोग कहने लगे थे। चलिए आगे बात करते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राटों की कौन कौन से थे। जैसे हम बात करेंगे कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में तो सबसे पहले युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें कि मुहम्मद मुअज्जम, मुहम्मद आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें मुहम्मद मुअज्जम ने विजय प्राप्त की। मुहम्मद मुअज्जम ने 18 जून 1707 में जजाओ के स्थान पर मुहम्मद आजम को हराया, ठीक है, और 13 जनवरी 1709 में हैदराबाद के समीप कामबख्श को हराया और मार डाला उसको, ठीक है। तो कौन सा उसके बाद इसके जो बेटे थे, ठीक है, उनमें युद्ध हुआ और मुहम्मद मुअज्जम ने विजय प्राप्त की, ठीक है, और 1707 में मुहम्मद मुअज्जम जो कि शाह आलम फर्स्ट उसको कहते हैं या फिर बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो सिंहासन पर बैठा, ठीक है। शाह आलम प्रथम कहते हैं, मुहम्मद मुअज्जम कहते हैं, तो वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा 1707 में, ठीक है। बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े उसको। अब बहादुर शाह प्रथम जो है या शाह आलम प्रथम, वो 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक उसने शासन किया। इसने शाह ए बेखबर, ठीक है, उसे जो है खफी खां द्वारा शाह ए बेखबर की उपाधि दी गई, ठीक है। यह 63 वर्ष की उम्र में सम्राट बना था, ठीक है, बहुत बूढ़ा हो चुका था, ठीक है। 63 वर्ष की उम्र में इसे गद्दी प्राप्त हुई और इसने शांति प्रिय नीति अपनाई, ठीक है। इसने 1689 से मुगलों की कैद में रह रहे शिवाजी के पौत्र साहू जी को मुक्त कर दिया एवं मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, ठीक है। ये मराठाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहता था, इसीलिए 1689 से मुगलों की कैद में रह रहे, जिसे औरंगजेब ने कैद किया था, ठीक है, तो इसने मुगलों की कैद में रह रहे शिवाजी के पौत्र साहू जी को मुक्त कर दिया, ठीक है, साहू जी को, और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की। इसके समय में सिख नेता बंदा बहादुर ने 1710 में सरहिंद को जीत लिया और 1711 में मुगलों ने लेकिन फिर से क्या किया, सरहिंद को जीत लिया, ठीक है। 1710 में क्या किया, बंदा बहादुर एक सिख नेता थे, उसने सरहिंद को जीत लिया था, लेकिन मुगलों ने फिर से उसके वापस पा लिया 1711 में, ठीक है। इसके दरबार में 1711 में एक डच शिष्टमंडल आया। इनके स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पुर्तगाली स्त्री जूलियाना को बीबी एवं फिदवा की उपाधि दी गई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बहादुर शाह प्रथम के लिए सर सिडनी ओवल का कथन है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यह जो बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम जो था या शाह आलम प्रथम, ठीक है, यही एक ऐसा मुगल सम्राट था औरंगजेब के बाद जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। उसके बाद के जो भी शासक आएंगे वो सब निकम्मे थे, ऐसा इसका मानना है। सर सिडनी ओवल का ये कथन है, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के बारे में इन्होंने कहा है ऐसा। तो बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हो गई 27 फरवरी 1712 में, तो एक बार फिर से उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया और उत्तराधिकार के लिए युद्ध के कारण बहादुर शाह का शव ए मार्क्स तक भी कथन मतलब दफन नहीं हो सका। युद्ध चालू हो गया और इसीलिए इसका जो शव था वो दफन नहीं हो सका, ठीक है, मतलब ऐसी नौबत आ चुकी थी, सोच लीजिए। तो बहादुर शाह का शव एक मास तक भी दफन नहीं किया जा गया था, एक मास मतलब एक महीने तक, ठीक है, एक महीने तक इसके शव को दफन नहीं किया गया था, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो ऐसी स्थिति आ गई थी। अब उत्तराधिकार का युद्ध किनके किनके बीच हुआ, तो इसके चार पुत्रों के बीच हुआ था, ठीक है, जहांदार शाह, अजीम उस्सान और
रफी उस्सान और जहान शान के बीच, ठीक है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। अब ईरानी दल के नेता जो थे, ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान की सहायता से जहांदार शाह सम्राट बना। अब ये जो जुल्फिकार खां ईरानी दल का नेता, ये इतिहास में बहुत ही रोचक ढंग से बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग गौर कीजिएगा। जुल्फिकार खां जो है, इसी की सहायता से जहांदार खां जो सम्राट बना, और जुल्फिकार खां का बहुत चलता था मुग़ल दरबार में, ठीक है, बहुत ही इसकी प्रतिष्ठा थी, हर एक बात इसकी मानी जाती थी जुल्फिकार खां का, ठीक है, तो इसको आप लोग गौर कीजिएगा। इसी की सहायता से जहांदार खां सम्राट बना। चलिए आगे बात करते हैं। अब जहांदार खां के बारे में जान लेते हैं। ये बस एक साल तक सत्ता पर काबिज रहा, 1712 से लेकर के 1713 तक, ठीक है। इसका वास्तविक शासन इसके प्रधानमंत्री जुल्फिकार खां के हाथ में था। देख लीजिए, वास्तविक शासन तो किसके हाथ में था, प्रधानमंत्री जुल्फिकार खां के हाथ में था। मैंने कहा ना कि जुल्फिकार खां जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही शक्तिशाली था, ठीक है, तो वास्तविक शासन भी इसी के हाथ में था, ठीक है, जुल्फिकार खां, जिसकी सहायता से यह सुल्तान बना था, ठीक है, जहांदार खां। चलिए, जहांदार शाह ने आमेर के राजा समाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया एवं मिर्जा की उपाधि प्रदान की, ठीक है। इसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया एवं इसे महाराजा की उपाधि प्रदान की, और जहांदार शाह के समय जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि किसने और समाप्त किया था, तो जहांदार शाह के समय, ठीक है, और उस समय वास्तविक शासन किसके हाथ में था, जब जुल्फिकार खां के हाथ में था, तब जजिया कर जो था समाप्त कर दिया गया था। जहांदार शाह लाल कुनवरी नामक वैश्या से प्रेम करता था, ठीक है, और जहांदार शाह ने मराठों को डक्कन में चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार प्रदान किया, परंतु इसकी वसूली मुगल अधिकारी करते थे। इस सम्राट को इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता था, ठीक है। तो यह जो लंपट मूर्ख है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्री में भी पूछा गया है, UPSC IAS के एग्जाम के प्री में पूछा गया है कि किस मुग़ल बादशाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो किस सम्राट को इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता है, तो जहांदार शाह को, जिसने 1712 से लेकर के 1713 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1713 में सम्राट को पराजित कर मार डाला, ठीक है, सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियार ने। अब सफी खां का क्या कथन है कि नया शासनकाल चरणों और गायकों, नर्तकों एवं नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था, यह इनका सूफी खां का कथन है। अब फर्रुखसियार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसने 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक शासन किया, जिसने गद्दी कैसे हथियाई, सैयद बंधुओं की सहायता से, ठीक है, उसने उसको मार दिया, ठीक है। चलिए, यह मुग़ल दरबार के हिंदुस्तानी दल के नेता सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की सहायता से सिंहासन दल पर बैठा, और इसने अब्दुल्ला खां को प्रधानमंत्री पद का पद एवं हुसैन अली को मीर बख्शी नियुक्त किया, ठीक है। फर्रुखसियार द्वारा अब्दुल्ला खां को दी गई उपाधियां कौन कौन सी थी, नवाब कुल अल मुल्क और यमीन उद्दौला, सैयद अब्दुल्ला खां बहादुर, जफर जंग, सिपहसालार एवं यार ए वफादार। इसने कौन कौन सी उपाधियां दी थी अब्दुल्ला खां को, तो ये सारी उपाधियां दी थी, ठीक है। हुसैन अली को भी इसने बहुत सारी उपाधियां दी थी, जैसे उमादतुल मुल्क, अमीर उल उमरा, बहादुर फिरोज जंग एवं सिपह सरदार। सिख नेता बंदा बहादुर की फर्रुखसियार के समय हत्या कर दी गई, ठीक है। सिख नेता जो थे बंदा बहादुर, जिनके साथ बहादुर शाह प्रथम जो था वह अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था, उसकी हत्या कर दी गई फर्रुखसियार के समय में, ठीक है। सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियार की हत्या कर दी। अब सैयद बंधुओं की सहायता से ही
फर्रुखसियार गद्दी पर बैठा था और यह अच्छी तरह से उनको मानता भी था, बहुत सारी उपाधियाँ भी दी। लेकिन सैयद बंधुओं ने ही क्या किया, बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियार की ही हत्या कर दी। सोच लीजिए, इतिहास ऐसा है। फर्रुखसियार को घृणित कायर कहा जाता है, ठीक है। रफ़ी उद दरजात 28 फरवरी से लेकर के 4 जून, ठीक है, 1719 तक, यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। यह भी सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। अब रफ़ी उद दौला 6 जून से लेकर 17 सितंबर 1719, यह भी सैयद बंधु की सहायता से सिंहासन पर बैठा था। सैयद बंधु ही मतलब क्या कर रहे हैं, शासकों को बैठा रहे हैं और उतार रहे हैं, मतलब ऐसी स्थिति आ गई है। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। अब मोहम्मद शाह जो बैठेगा वह अधिक समय तक क्या करेगा, शासन करेगा। तो इसने 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक शासन किया। रोशन अख्तर इसका अलग नाम था, ठीक है, मोहम्मद शाह और रोशन अख्तर कहते हैं। तो रोशन अख्तर ने मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ सैयद बंधु की सहायता सिंहासन प्राप्त किया। इसके काल में सैयद बंधु का अंत हुआ, ठीक है। इसने सबसे पहले क्या किया, 1722 में सैयद बंधुओं की ही हत्या करवा दी, ठीक है। और इसके समय में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, ठीक है। 1739 में ही मोहम्मद शाह के टाइम में, या रोशन अख्तर कह सकते हैं उसी के टाइम में, 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आक्रमण हुआ था। मयूर सिंहासन, जो कि बहुत ही, इसको भारत का सिंहासन भी कहा जाता है, ठीक है, और बहुत ही महंगा सिंहासन था, ठीक है, पर बैठने वाला यह अंतिम शासन था। मोहम्मद शाह जो था इस पर बैठने वाला अंतिम शासक था। इसको नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो इसको लूट करके लेते गया, ठीक है, ईरान। इसके समय में बंगाल, अवध, हैदराबाद स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई, ठीक है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया 1748 में, मतलब इसी के टाइम में ही, ठीक है, नादिर शाह ने आक्रमण किया और नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली, उसने भी 1748 में आक्रमण किया, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली कौन था, तो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया। मोहम्मद शाह ने भी अंतिम रूप से बंद कर दिया 1720 ईस्वी में, ठीक है। नादिर शाह के आक्रमण के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है बार बार। 1739 में इसने आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है, और नादिर शाह के आक्रमण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, फारस का यह शासक था, ठीक है। नादिर शाह तहमास्य शाह की मृत्यु के बाद 1736 में फारस का शासक बना था, ठीक है। और नादिर शाह ने 11 जून 1738 में गजनी में प्रवेश किया था और काबुल के शासक ने नादिर शाह को ने बिना प्रतिरोध अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। काबुल के जो शासक थे नादिर खां, उन्होंने बिना प्रतिरोध की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार 29 जून को नादिर शाह ने काबुल पर अधिकार कर लिया। उन्होंने बिना युद्ध किए जो काबुल के शासक थे, ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी इस समय काबुल है, ठीक है। तो गजनी में जब इसने प्रवेश किया 1738 में, ठीक है, 11 जून 1738 में जब इसने गजनी में प्रवेश किया नादिर शाह ने, तो वहाँ काबुल के जो शासक थे नादिर खां, ठीक है, नादिर खां, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, काबुल के जो शासक थे वो नादिर खां थे, उन्होंने बिना युद्ध किए ही अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसने भी युद्ध नहीं किया और 29 जून को क्या किया, नादिर शाह ने काबुल पर अधिकार कर लिया। अब नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार किया और लाहौर पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1739 में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और करनाल का युद्ध हुआ, ठीक है। करनाल का युद्ध इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं कि जो मुग़ल सम्राट नादिर शाह को रोकने के लिए निजामुल मुल्क कमरुद्दीन खान दौरान और शहादत खान के साथ पंजाब की ओर आगे बढ़ा। मुग़ल सेना न तो युद्ध के लिए तैयार थी और न ही कोई रणनीति थी, इस कारण यह युद्ध मात्र 3 घंटे चला और खान दौरान युद्ध में मारा गया एवं शहादत खान को बंदी बना लिया गया। सिर्फ 3 घंटे युद्ध चला था, ठीक है, युद्ध के लिए तैयार नहीं थी मुग़ल सेना, ठीक है, और जो खान दौरान था वो मार दिया गया और
शहादत खां को बंदी बना लिया गया। निजामुल मुल्क ने शांति दूत की भूमिका निभाते हुए नादिर शाह को 50 लाख रुपए देना तय किया, ठीक है, और शहादत खां के स्थान पर निजामुल मुल्क को मीर बख्शी बनाए जाने के कारण शहादत खां नादिर शाह से जा मिला एवं उसे दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रलोभन दिया, ठीक है। शहादत खां के स्थान पर निजामुल मुल्क को मीर बख्शी बनाए जाने के कारण शहादत खां नादिर शाह से जा मिला एवं उसे दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रलोभन दिया। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। अब नादिर शाह का दिल्ली में प्रवेश हम देखेंगे। अब जब इसने दिल्ली पर पहुंचा, 20 मार्च 1739 को वह दिल्ली पहुंच गया, अब अपने नाम का फतवा पढ़वाया, फतवा एक तरह से कहते हैं हम लोग, तथा अपने नाम के सिक्के जारी किए। दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई, इस वजह से दिल्ली में नादिर शाह के 700 सैनिक मार दिए गए, ठीक है। इससे क्रोधित होकर नादिर शाह ने कत्लेआम का हुक्म दे दिया जिसमें 30,000 व्यक्ति हताहत हुए। मोहम्मद शाह के प्रार्थना पर नादिर शाह ने आज्ञा वापस ली। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि दिल्ली में सबसे पहले तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ठीक है, अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो इसलिए दिल्ली में क्या हुआ कि नादिर शाह के 700 सैनिक शुरू में मार दिए गए, तो नादिर शाह बहुत ही अधिक क्रोधित हो गया और इसने हुक्म दे दिया कि पूरा मार डालो सबको, ठीक है। तो 30,000 लोगों को मार दिया गया, ठीक है। लेकिन जब मोहम्मद शाह जो कि मुगल सम्राट था उसने प्रार्थना की नादिर शाह से, ठीक है, तो नादिर शाह ने आज्ञा वापस ले ली। अब नादिर शाह की वापसी कैसे होती है यह हम देख लेते हैं, कैसे वापस गया। चाहता तो रह सकता था भाई, इतनी बड़ी सेना जीत सकता था, पूरा दिल्ली में फिर से भारत में शासन कर सकता था। तो दिल्ली से वापस लौटते समय नादिर शाह अपने साथ 30 करोड़ रुपए नगद ले गया, ठीक है, 30 करोड़ रुपए नगद और सोना चांदी हीरे जवाहरात के अतिरिक्त 100 हाथी, 7,000 घोड़े, 100 हिजड़ी, 10,000 ऊंट, 130 लेखपाल, 200 लोहार, 100 पत्थर तराश और 200 बढ़ई लेकर गया। ये सब चीज़ें वो अपने साथ ले गया, ठीक है। नादिर शाह शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन एवं साथ में कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया, ठीक है। तो तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया और साथ में कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया, ठीक है। शाहजहाँ द्वारा जो तख्ते ताऊस बनाया, मयूर सिंहासन बहुत ही महंगा था, ठीक है। कहा जाता है कि इस समय उसका जो मतलब जो ताजमहल बनवाया गया था उससे भी 20 गुना ज़्यादा, ठीक है, 20 गुना ज़्यादा पैसा मयूर सिंहासन में लगा था और साथ में कोहिनूर हीरा भी ले गया, ठीक है। जब बढ़ई लेकर गया, ठीक है, इतने सारे चीज़ वो अपने साथ लेकर के, नादिर शाह जब शाहजहाँ द्वारा बनाया गया तख्ते ताऊस भी लेकर गया, कोहिनूर हीरा भी लेकर गया, मतलब इतने सारे चीज़ लेकर गया। इसके बाद मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से कर दिया, ठीक है, और कश्मीर और सिंध नदी के पश्चिमी प्रदेश नादिर शाह को मिल गए। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया और फतवा पढ़ने और सिक्के चलाने के अधिकार लौटा दिए। यह सब फिर मुगल सम्राट को वापस कर दिए यह सब अधिकार, ठीक है। तो बहुत सारा मतलब अपमान हुआ मुगल सम्राट का, लेकिन फिर से अधिकार वापस कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सम्राट अहमद शाह का, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली 1748 से 1754 तक यह शासन रहा। यह मोहम्मद शाह का पुत्र था, जो उधमबाई नर्तकी के गर्भ से जन्मा था। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। मोहम्मद शाह का पुत्र था जो उधमबाई नर्तकी के गर्भ से जन्मा था। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। इसने अपने प्रिय हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था, ठीक है। आगे बात करें आलमगीर द्वितीय, जो कि 1754 से लेकर के 1758 तक लगभग 4 वर्षों तक इसने शासन किया, ठीक है, आलमगीर द्वितीय ने।
इसका नाम अजीमुद्दीन था। यह अपने वजीर इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था। ठीक है, 1757 में दिल्ली से वापस लौटते समय अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाया था। 1757 मेन ईयर है, आप लोग याद होगा 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो 1757 में ही दिल्ली से वापस लौटते समय अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाया था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था, और अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर आक्रमण किया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और पूछे भी गए हैं कुछ। ठीक है, तो यह देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दिए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। अब्दाली ने शीघ्र ही काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखी। नादिर शाह की भी हत्या हो गई थी, ठीक है, 1747 में, और उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली ने कंधार पर मतलब स्वतंत्र शासक बन गया कंधार का, और काबुल पर अधिकार कर लिया और अफगान राज्य की नींव रखी। ठीक है, अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए थे, और पहला आक्रमण पंजाब पर था जो असफल रहा। ठीक है, कब किया था, 1748 में पहला आक्रमण पंजाब पर किया था। उसके बाद 1749 में पंजाब पर फिर से आक्रमण किया, और पंजाब के जो गवर्नर थे मुइनुल मुल्क उसको परास्त किया। 1752 में पंजाब पर फिर से तीसरा आक्रमण किया, और सम्राट ने अब्दाली को पंजाब और सिंध का प्रदेश दे दिया। ठीक है, जनवरी 1757 में अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया तथा मथुरा एवं आगरा तक लूटपाट की। यहाँ से वापस लौटते समय अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुद मुल्क को वजीर, लोहला सरदार नजीबुद्दौला को मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाया था। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। ठीक है, 1761 में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जब मुगल वंश की नींव रखी गई थी। ठीक है, बाबर की उसमें जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, उसके बाद आपका 1576 में, 1761 में आपका, यहाँ पर 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का द्वितीय बीच युद्ध हुआ। ठीक है, 1556 में जो हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। उस समय अकबर का जो सेनापति था, या एक तरह से कह सकते हैं संरक्षक बैरम खां, उसने ही सेना को अकबर का संरक्षण था, इसीलिए सेना को संचालित किसने किया था, बैरम खां ने। ठीक है, और अकबर उसी टाइम पे सुल्तान बना था, ठीक है, और से वहीं से 1556 से ही राजपाट संभालना चालू किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पानीपत के युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली छोड़ने से पहले पुनः आलम शाह को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर एवं नजमुद्दौला को मीर बख्शी नियुक्त किया। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। यह पूछता है बार बार क्वेश्चन, ठीक है, भ्रम हो जाता है लोगों को ना कि उस समय सम्राट कौन था, तो यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। प्री में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, ठीक है, या फिर मुगल सम्राट कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शाह आलम द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक यह शासन करता रहा। आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट बना था। शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। इसके समय में पानीपत का द्वितीय युद्ध 1761 में एवं बक्सर का युद्ध 1764 हुआ। बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के बीच और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है,
तीन लोगों ने मिल करके लड़ा था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम को पेंशन भोगी बना दिया था। जब इसने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई किया और उसमें हार मिली, इन लोगों को, तीनों लोगों को हार मिली, उसके बाद अंग्रेजों ने शाह आलम को सिर्फ पेंशन पे ही रख लिया, ठीक है, कि आपको सालाना पेंशन दी जाएगी। और एक तरह से सैनिक शक्ति और राजनैतिक रूप से भी, अब सैनिक शक्ति और राजनैतिक रूप से भी भारत में सत्ता किसकी काबिज हो गई बक्सर युद्ध के बाद? अंग्रेजों की हो गई, ठीक है। चलिए, उसके बाद 1772 में मराठा संरक्षण में शाह आलम द्वितीय को पुनः सिंहासन पर बैठाया, ठीक है। 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर ने शाह आलम को सिंहासन से उतार दिया और 10 अगस्त 1788 को शाह आलम की आंखें निकलवा कर अंधा बना दिया, ठीक है। बहुत ही एक तरह से घिनौना काम। अक्टूबर 1788 में महादजी सिंधिया ने पुनः सम्राट की ओर से अधिकार कर लिया। 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया एवं शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मुगल सम्राट अब पेंशन भुगता बन गया। शाह आलम द्वितीय ने अंधे शासक के रूप में राज किया, मतलब यह अंधा था फिर भी राज कर रहा था पेंशन के रूप में, पेंशन पाता था, अपना शासन करता था, ठीक है, लेकिन वो अंधा था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, इसको अंधा किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अंधा किसने किया था? गुलाम कादिर ने, ठीक है, गुलाम कादिर ने। गुलाम कादिर ने ही 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर ने ही शाह आलम को सिंहासन से उतार दिया था और 10 अगस्त 1788 को शाह आलम की आंखें निकलवाकर अंधा बना दिया था, ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 तक। अब जब 1806 में शाह आलम की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र अकबर शाह द्वितीय शासक बना। अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला यह प्रथम शासक था, ठीक है। उसके बाद यह अंग्रेजों की पेंशन पर शासक करने वाला शासक था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की एवं पेंशन हेतु ब्रिटेन भेजा था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यह इम्पॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी, जिनका पूरा नाम अकबर शाह द्वितीय था, जिन्होंने भारत में 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। और अंग्रेजों के संरक्षण में, क्योंकि शाह आलम द्वितीय ने जब शासन किया था तो शुरू में थोड़ी ना अंग्रेजों के संरक्षण में थे, बाद में ना अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त हुआ, पेंशन भोगी बने, लेकिन यह ऐसा पहला शासक था जो शुरू से ही, ठीक है, संरक्षण में गद्दी प्राप्त किया। उसके बाद राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा इन्होंने पेंशन पर पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। इसके शासनकाल में मुगलों के सिक्के बंद हो गए, ठीक है, और 1837 में अकबर शाह की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय आया, ठीक है, 1837 से 1857 तक। उसके बाद 1857 में क्रांति होती है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद इनको रंगून भेज दिया जाता है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। बहादुर शाह जो द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट था, जफर इसका उपनाम था, यह जफर नाम से कविता और शायरी लिखता था। यह अंग्रेजों की पेंशन पर शासन करता था। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने मोहम्मद शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। क्रांतिकारियों की सहायता करने के कारण अंग्रेजों ने मोहम्मद शाह जफर को निर्वासित कर रंगून भेज दिया। रंगून ने अपने निर्वासित काल के दौरान बहादुर शाह जफर ने अपनी प्रसिद्ध कविता न किसी की आह का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ, लिखी थी। 1862 में जफर की मृत्यु हो गई। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय यह लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब भारत में जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली की ओर कूच किए और इन्होंने कहा कि भाई आप ही तो हैं भारत के सम्राट और आप ही अगर मुंह मोड़ लेंगे तो हम लोग किसके संरक्षण में लड़ेंगे, ठीक है, तो इनको एक हौसला मिला कि भाई हम लीड कर सकते हैं, तो इन्होंने लीड किया, मतलब एक लीडर की भूमिका निभाई और अंग्रेज इसीलिए इनसे खफा हो गए। नहीं तो शुरू में तो ये पेंशन के रूप में कार्य करते थे, ठीक है, पेंशन पाते थे, अपना शुरू में जीवन यापन करते थे, ठीक है। अंग्रेजों ने ऐसी दुर्गति बना दी थी मुगल शासकों की कि
पेंशन पे ही रखे थे, ठीक है, पेंशन मिलता था, ये लोग शासन करते थे, ठीक है, और बहुत ही दुर्गति थी। तो ऐसा नहीं कि ये लड़ सकता था, लेकिन लीड करते थे बस, और जो क्रांतिकारी थे वो लोग अपना लड़ रहे थे, लेकिन लीडर की भूमिका निभाई, इसीलिए क्या हुआ, जो अंग्रेज थे इनको रंगून भेज दिए, ठीक है। और बहुत ही अच्छी कविता इसने लिखी, ठीक है, कि न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका मैं वो बूझता हुआ चिराग हूँ। लिखी थी 1862 में, जफर की मृत्यु हो गई वहीं पर रंगून में ही। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया भारत में, ठीक है। जब 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र पढ़ा, ठीक है, तो कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया भारत में। उसके बाद भारत में क्राउन का शासन चला, ठीक है, कंपनी का भी नहीं रह गया, ना तो मुगल का रह गया, भारत में ब्रिटेन के जो क्राउन है, ठीक है, मतलब वहाँ के जो शासक हैं उनका शासक अब यहाँ पर भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कल 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज के बारे में मुख्य रूप से, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।